हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा रे? कुछ पढ़ाई कर रहे? क्लास के साथ साथ मज़ा आ रहा है? अरे कुछ तो कमेंट में लिखो, भला लिखो, बुरा लिखो, माना आपको जो लगता है वो लिखो, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन आपको यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो लिखो। ये 11वीं का तीसरा यूनिट है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज़ हमने 18 वीडियो अपलोड कर दिए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस, उसके 31 वीडियो अपलोड कर दिए। तीसरा यूनिट चल रहा है लॉगरिथम, इसका ये 28th वीडियो है। और ये पूरे 2 साल तक JEE मेन के पूरे टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। टेंशन लेने का काम नहीं, माना घर बैठे बैठे JEE मेन की तैयारी बहुत कंसेप्चुअली कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो, अभी ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैं लिखा था, लेकिन लेक्चर का टाइम ख़त्म होने से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए। देखो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अरे कैसा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हमने एक लॉग देखा। क्या देखा रे? एक लॉग देखा। अभी कितने लॉग देख रहे रे? दो। तो सबसे पहले हमें डोमेन निकालना है। नाउ फॉर डोमेन, कोई बोलेगा सर मुझे ये लॉग के बारे में सोच रहा है। अच्छी बात है ना, उसका ये डोमेन हो जाएगा। दीदी बोली नहीं सर मुझे इसके बारे में सोचना है, ये डोमेन हो जाएगा। हमने प्रोसीजर में लिखवा के दिया है। क्या लिखवा के दिया है रे? एक से ज़्यादा डोमेन आया तो इंटरसेक्शन लेना। बोलो क्या बोला? एक से ज़्यादा डोमेन आया तो कॉमन इंटरवल लेना। एक से ज़्यादा डोमेन आया तो कॉमन इंटरवल लेना। एक से ज़्यादा डोमेन आया तो कॉमन इंटरवल लेना। पहला क्या होगा रे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। एक तो ये होगा। एंड दूसरा ये होगा। क्या होगा दीदी? क्यों लिया रे दो डोमेन? क्योंकि देर आर टू लॉगरिथम्स। कितने लॉगरिथम्स है? पूरे दो। क्या बोला रे? पूरे दो। एक बार इसको ग्रेटर दैन 0 लिया, एक बार इसको ग्रेटर दैन 0 लिया। नाउ इसमें से हमने x को कॉमन निकाला। अभी ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन बेस। बेस 6 है, 6 ग्रेटर दैन 1 है, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। सो इट इज। अरे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसे क्या ले लिया रे? मेरे हाथ में तो कोई जादू तो है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर दैन 1। व्हाट आर द जीरोस? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, पोल इज एक्स इक्वल टू -4, क्रिटिकल पॉइंट्स आर। -4, -1, 0, ग्रेटर दैन 0 है। अरे क्या है?
ग्रेटर देन जीरो है तो क्या किया जाए? होलो सर्कल लिया जाए। माइनस फोर माइनस वन जीरो। हाईएस्ट इज एक्स इक्वल टू जीरो, राइट में पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। व्हाट इज सेट ऑफ सॉल्यूशन? एक्स बिलोंगिंग टू ठीक है। अरे एनी डाउट? देर इज नो एनी डाउट। देखो दो लॉग था, एक ये फंक्शन को लेके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, एक्स को कॉमन लिया, जीरोज आ गए, जीरो माइनस वन, पोल इज माइनस फोर, माइनस फोर वन, माइनस वन जीरो, सो जीरो इज ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। उसके राइट में प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ग्रेटर देन जीरो बोले तो माइनस फोर टू माइनस वन एंड जीरो टू इन्फिनिटी। अरे हाँ ना, यस, क्या बोलना? यस ना, ये वन को बोला इधर आ जा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, बोल जीरोज आर पोल इज, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स आर माइनस फोर माइनस टू एंड टू, ऑल आर होलो सर्कल, एक्स इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू टू, सबसे बड़ा कोण है टूथ्स, उसके राइट में पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। व्हाट इज एक्स? एक्स बिलोंगिंग टू सो अपने को कितने लॉग मिले थे रे? पूरे दो, ठीक है। एक अंदर वाला फंक्शन जो है उसको आर्ग्यूमेंट ले लिया डोमेन के लिए, एक बार बाहर का लॉग छोड़ के दूसरे वाले लॉग को डोमेन के लिए लिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, सो वी गॉट टू डोमेन्स। जब ये दो डोमेन आ गए तो इसमें हमें क्या करना है रे? अरे हमें क्या करना है रे? इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है रे? इंटरसेक्शन लेना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ मिटा दूँ? मिटा देता हूँ। डोमेन इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू माइनस फोर माइनस वन यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी एंड एक्स बिलोंगिंग टू
देखो माइनस फोर टू माइनस टू में कम एरिया माइनस फोर टू माइनस टू होता है, चाहे तो चेक करके बताऊं। अरे हाँ ना, यस चेक। कैसे चेक करना? कोई स्केल पट्टी लेके चेक करना बाबू? चेक के लिए ये सभी क्या है, होलो सर्कल्स है। माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, जीरो देन टू। देखो पहला इंटरवल क्या है रे, माइनस फोर टू माइनस वन। दूसरा इंटरवल क्या है रे, माइनस फोर टू माइनस टू। पहला इंटरवल क्या है रे, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। दूसरा इंटरवल क्या है रे, टू टू इन्फिनिटी। सो इधर का कॉमन एरिया माइनस फोर टू माइनस टू है, इधर का कॉमन एरिया टू टू इन्फिनिटी है। देयरफॉर डोमेन फॉर गिवन फंक्शन इज एक्स बिलोंगिंग टू इसका नाम करेंगे तीन। बाबू यदि इंटरसेक्शन लेने में कॉमन लेने में कुछ कन्फ्यूजन हो गया, कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो क्या करना, रियल लाइन निकालना। लॉगरिथमिक का डोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो एवरीवेयर वी आर गोइंग टू टेक होलो सर्कल। होलो सर्कल लेना क्या लेना, होलो सर्कल लेना, जैसे इंटरवल्स है वैसे इंटरवल्स को मार्क करना, और जो इंटरसेक्शन है वो लेना। समझो इंटरसेक्शन आया ही नहीं, नो डोमेन, देर इज नो डोमेन। ठीक है, सो हमने यहाँ डोमेन निकाला और वो क्या आया रे, माइनस फोर टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। नाउ डोमेन इज, इसका नाम कर दिया तीन, क्योंकि मैं अभी नीचे मिटा दूंगा, फिर अपने दिमाग में इतना कहाँ से याद रहेगा यार। इतना सभी याद रखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। देखो भाई जब मेमोरी फुल होती है तो मोबाइल स्लो पड़ जाता है, ऐसा ये भी मोबाइल है मेमोरी फुल हो गई तो थोड़ा स्लो चलना चालू होता है। सो अभी तक हमने क्या किया, वी गॉट द डोमेन ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी क्या करते रहे, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते। नाउ डोमेन को पॉइंट नंबर वन लिखो, इसको पॉइंट नंबर टू लिखते। सॉल्व फॉर इनइक्वालिटी एज ए इक्वल टू वन बाई टू, सॉरी वन बाई थ्री लेस देन वन, इनइक्वालिटी चेंजेस दिस इज log of x square plus x upon x plus 4 greater than 1 by 3 raised to 0, यहाँ base रह गया 6, log of x square plus x upon x plus 4 greater than 1, now a equal to 6 greater than 1, inequality not changes,
सो क्या हो गया रे, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन सिक्स रेस टू वन, क्योंकि ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये नंबर होता है। अभी ये पढ़ पढ़ के आप लोग बुढ़े हो चुके हैं, हैं बुढ़े कहाँ हो गए, अभी तो सब दुनिया दुनिया देखना बाकी है, सब कुछ ज़िंदगी का बाकी है, बुढ़े कहाँ से हो गए। हाँ नहीं बोलना, कुछ भी बात में हाँ नहीं बोलना, अपना लगाना दिमाग। सो ये क्या होगा, ये छः को बोला आजा, क्या बोला आजा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, ये डोमेन नहीं सॉल्व कर रहे, ये इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो है वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे। बोलो मिटा दूं, जरा नीचे लिखने में अच्छा नहीं लगता है, ऊपर लिखेंगे ठीक है। सो जीरोज लिखेंगे, पहले तो इसके फैक्टर पाड़ देंगे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे पाड़ते, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म, माइनस एट इंटू थ्री इज माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस एट प्लस थ्री इज माइनस फाइव। सो तो क्या क्या आ गया रही है, एक्स माइनस एट एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। अभी क्या लिख दिया जा रही, जीरोज, एक्स इक्वल टू एट कॉमा माइनस थ्री, पोल इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स रे, माइनस फोर माइनस थ्री एट, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आए तो रियल लाइन को बोलेंगे आजा, क्या बोला आजा, बेचारा दौड़ते दौड़ते आ गया, टेंशन नहीं लेना, जरा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम, अरे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम लेंदी होते हैं, अवघट नहीं, अरे दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है, काही को टेंशन ले रहे। व्हाट इज सेट ऑफ सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन ए टू इन्फिनिटी, देखो ये क्या है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या है डोमेन। सो फाइनल सोल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, एक्स बिलोंगिंग टू यदि ना समझ में आ जाए, रियल लाइन निकालना, ये दोनों में छोटा कौन है, माइनस फोर टू माइनस थ्री, ये दोनों में छोटा कौन है, एट टू इन्फिनिटी। अरे समझा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ठीक है।
देखो भाई, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अवगत नहीं है, समाओ लेंदी है, क्योंकि लॉग में लॉग, कोई बोला सर 3 लॉग आए तो, अरे वो क्या तेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, अंदर वाला जो है उसको एक डोमेन लेना, अंदर वाले लॉग को दूसरा डोमेन लेना, अंदर वाले दूसरे लॉग को और डोमेन लेना, और ये तीनों को एक साथ लेके इसका इंटरसेक्शन निकालना, बड़े प्यारे क्वेश्चंस है। और बाद में जैसा जैसा बेस है, बेस यदि लेस देन वन है, बेस यदि लेस देन वन है तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, बेस यदि ग्रेटर देन वन है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। उसको सॉल्व करते जाना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन आएगा, डोमेन का कुछ सॉल्यूशन आएगा, डोमेन एंड सॉल्यूशन ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना, दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। दैट इज विच इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अरे समझ में आया? सो डोमेन निकालना, एक से ज़्यादा डोमेन आया तो इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन इज द डोमेन फॉर गिवन फंक्शन, गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बेस। इनइक्वालिटीज बदलते जाएगा, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, डोमेन का सॉल्यूशन, इट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। कैसे लगा? ठीक है, इसके 2-4 प्रॉब्लम तो हम ऐसे भी कराएंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।